नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं एसपी त्रिपाठी। देश इस वक्त बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। शहर शहर कोरोना ने कोहराम मचा रखा है। हर रोज बड़ी संख्या में नए संक्रमित मरीज तो मिल ही रहे हैं, साथ ही मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है। बुधवार को तो इसने नया रिकॉर्ड बना दिया। ऐसे में लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि वो वायरस से खुद कैसे बचे और अपनों को कैसे बचाए। वह इन सब के बीच बड़ी संख्या में लोग वैक्सीन लगवाने के लिए भी जूझ रहे हैं। खैर, उन्हें ये डोज कब तक मिलेगा इसका तो पता नहीं, लेकिन महंगाई का महाडोज हर किसी को मिल रहा है, वो भी लगातार। जी हां, वायरस के विस्फोटक दौर में महंगाई की मार से जनता पूरी तरह से पस्त है। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि ये बीते कुछ दिन में बहुत तेजी से बढ़ी है, लेकिन केंद्र के साथ ही राज्य सरकारों का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। पेट्रोल ने सेंचुरी लगा दी है तो डीजल भी शतक लगाने के एकदम करीब है। उधर खाद्य सामग्री इस कदर महंगी हो गई है कि लोग इसे लेने के लिए पहले प्लानिंग कर रहे हैं, जबकि ये जीवन के लिए बहुत जरूरी है। उधर गैस सिलेंडर के दाम भी बेतहाशा है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि महामारी में महंगाई के महाडोज से सरकार आम आदमी को कब तक राहत दिलाएगी। आखिर कब तक सरकार की नीतियों की वजह से जनता का हाल बेहाल रहेगा। मुद्दा बड़ा और गंभीर है, लिहाजा आज चर्चा इसी को लेकर। तो वायरस के सबसे ज्यादा विस्फोटक दौर में लोग महंगाई की आंच में भी झुलस रहे हैं। तेल, चावल, दाल समेत अन्य खाद्य पदार्थों में महंगाई की मार पड़ रही है, जिससे लोगों की बजट बिगड़ रहा है। हरी सब्जियों के दाम सातवें आसमान पर है, जिससे गरीब तो गरीब, अब आम आदमी की थाली का जायका भी बिगड़ चुका है। कोरोना से बचने के लिए चिकित्सकों द्वारा इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए फलों के सेवन की सलाह दी जा रही है, लेकिन ये इस वक्त इतने महंगे हैं कि हर कोई इसे नहीं ले सकता। उधर पेट्रोल डीजल के दामों में भी आग लगी हुई है। भोपाल में तो पेट्रोल ने शतक ही जड़ दिया है, वहीं डीजल भी तेजी से शतक की ओर अग्रसर है। महंगाई से सिर्फ मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ की जनता ही नहीं बल्कि पूरा देश त्रस्त है। खैर, महंगाई का ये महाडोज कब तक मिलता रहेगा, क्या जल्द कोई राहत मिलेगी या नहीं, इसे लेकर चर्चा शुरू करें। उसके पहले देख लेते हैं रिपोर्ट। कोरोना काल चक्र लगातार चल रहा है, ये कब रुकेगा कोई नहीं जानता, लेकिन बेतहाशा महंगाई को तो काबू में किया जा सकता है। ऐसे में ये अब तक आउट ऑफ कंट्रोल क्यों है? महंगाई पर लगाम लगाने के लिए सरकार कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठा रही है? आखिर उन लोगों को राहत कब मिलेगी जिनके काम धंधे महामारी के विस्फोट के दौर में चौपट है? ऊपर से खुद का या अपनों का इलाज कराने के लिए उन्हें अस्पताल का भारी भरकम बिल भी देना पड़ रहा है। अब ऐसे में महंगाई का महाडोज भी लगातार मिलता रहेगा तो फिर घर कैसे चलेगा? पेट्रोल डीजल की बात करें तो इनके दाम आसमान छू रहे हैं। दिल्ली में पेट्रोल 92 रुपए प्रति लीटर के करीब है तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इसने अब सेंचुरी लगा दी है। 12 मई को 25 पैसे की बढ़ोतरी के साथ भोपाल में पेट्रोल की कीमत 100.08 रुपए प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल के दाम लगभग 91 रुपए प्रति लीटर है। वही छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी पेट्रोल के दाम बुधवार को 32 पैसे बढ़े हैं। इस तरह यहाँ पेट्रोल अब 90.50 रुपए प्रति लीटर है, तो डीजल की प्रति लीटर कीमत पेट्रोल के मुकाबले महज 1 रुपए कम है। आम आदमी के लिए तो पेट्रोल लगाना बहुत बड़ी बात हो गई है। गाड़ी लेके कहीं जाने का दिल नहीं जाता। अभी मांग की जाएगी, अब पेट्रोल लगेगा, दोबारा साइकिल ही यूज करना पड़ेगी। अब गरीब आदमी, मेरे तो पता नहीं ब्रेक कम होने चाहिए, ये पता नहीं कब तक कम हो। पेट्रोल डीजल के साथ ही एलपीजी के दाम भी कम होने के बजाय लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में 14.2 किलो वाले गैस सिलेंडर की कीमत अभी भी 800 के पार बनी हुई है, वहीं छत्तीसगढ़ में ये 900 रुपए के करीब मिल रहा है। इसके अलावा खाद्य पदार्थों में महंगाई से आम आदमी को 2 जून की रोटी की जुगत भिड़ाने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। सरसों तेल 165 से लेकर 200 रुपए प्रति लीटर के आसपास बिक रहा है, जबकि महीने भर पहले इसकी कीमत 125 रुपए के आसपास थी। वही रिफाइंड में सोयाबीन तेल 170 से 180 रुपए प्रति लीटर है, तो वही ग्राउंड नट और सनफ्लावर ऑयल के दाम
200 रुपए प्रति लीटर के करीब है। दालों की बात करें तो इनके दाम भी काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। सबसे ज्यादा खाई जाने वाली अरहर दाल, जो कुछ दिन पहले तक 90 से 100 रुपए प्रति किलो मिल रही थी, वो अब 130 से लेकर 160 रुपए प्रति किलो मिल रही है। वही मसूर की दाल महीने भर पहले 60 से 70 रुपए किलो थी, वो भी अब 100 रुपए के पार चली गई है। इसी तरह चना की दाल भी 100 रुपए प्रति किलो में मिल रही है। वहीं कुछ दालें जैसे मूंग छिलका, धुली और उड़द दाल भी 150 रुपए प्रति किलो या उससे भी ज्यादा बिक रही है, जबकि आटा 25 से 45 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा है। इसके अलावा शक्कर भी 35 से बढ़कर 40 रुपए प्रति किलो या उससे भी ज्यादा मिल रही है। मूंगफली दाना, जो कुछ देर पहले 100 रुपए प्रति किलो मिल रहा था, वो अब 150 रुपए की भी पार चला गया है। अगर बाई चांस अगर हमें मिल भी जाती है तो बहुत पुराना रेट देते हैं, 2017 2015 वाला रेट मिल रहा है, लेकिन मजबूरी में हमें गाड़ी चलाना पड़ रहा है क्योंकि इसके अलावा अभी हमारे पास ना कोई नौकरी है ना कुछ है। खाली पेट्रोल वाली बात नहीं है, घर की दीगर चीजें भी तो देखिए आप। और आजकल जो लॉकडाउन या उसके कारण जो ब्लैकमेलिंग हो रही है किराने वालों से, आप किसी भी दुकान पर जाकर देख लीजिए, जो रेट है उससे हाईफाई दे रहे, चाहे वो आंडोर वाले हो चाहे कोई हो। उधर कोरोना काल में लगे लॉकडाउन की वजह से सीजनल सब्जियां भी खूब महंगी हो गई है। आलू और प्याज 20 से 25 रुपए प्रति किलो मिल रहा है, जबकि इस समय इसकी कीमत 10 रुपए के आसपास होती है। वहीं लौकी, गोभी, बैंगन के दाम 40 रुपए प्रति किलो के आसपास है। इसी तरह बाकी और सब्जियां भी 30 से 40 रुपए प्रति किलो मिल रही है। फलों की बात करें तो केला 50 रुपए दर्जन और सेब अनार 200 रुपए प्रति किलो से ज्यादा मिल रहा है। और तो और तरबूज और खरबूज, जो कि 15 से 20 रुपए किलो में मिलता था, वो अब 25 से 30 रुपए प्रति किलो में मिल रहा है। सोचिए, एक तरफ कोरोना काल है और महंगाई की दोहरी मार है, अब ऐसे में आम आदमी भला कैसे अपना घर चलाएगा। जरूरी है कि महामारी से पहले पस्त जनता को सरकार कुछ राहत दिलाए। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो महंगाई का जनता को जो महाडोज मिल रहा है, उस पर चर्चा करने के हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी नेता विकास मोन्द्रिया जी हैं। विकास जी, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र मिश्र जी हैं, आपका भी स्वागत है। साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं दो अर्थशास्त्री, भोपाल से अभिषेक मोदी जी और रायपुर से रविन्द्र ब्रह्मे जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ब्रह्मे जी, आपसे ही पक्ष विपक्ष की बात तो बाद में करेंगे, ब्रह्मे साहब आपसे सवाल ये है, देखिए बहुत सारी चीजें हैं, पेट्रोल इंटरनेशनल मार्केट में प्रति बैरल क्या रेट है, इसके पहले बहुत प्रति बैरल बहुत ज्यादा रेट गया था, फिर भी 65-70 से ज्यादा पेट्रोल डीजल के रेट नहीं गए थे। इसमें पेट्रोल प्रति बैरल डॉलर के हिसाब से कम है, फिर भी इतना रेट क्यों बढ़ रहा है, इतना दाम क्यों बढ़ गए हैं? रविंद्र साहब जी, जो कि सरकार ने और खासकर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो इस पे जो टैक्सेशन है वो इतना ज्यादा है, और आप जानते हैं कि जो सरकार की जो रेवेन्यू है उसमें पेट्रोल और डीजल से, जो लास्ट ईयर का यदि बजट भी देखेंगे उसमें सबसे ज्यादा रेवेन्यू कलेक्शन इसी सेगमेंट से हुआ, पेट्रोल डीजल पे जो इनकी एक्साइज ड्यूटी है। तो सरकार ने इस पे जो टैक्स लगाया है, सरकार के रेवेन्यू में जो गिरावट आई दूसरी जगह से, और उसको उसकी भरपाई के लिए सरकार ने इस पर जो एक्साइज ड्यूटी लगाई है, और जो मैं खासकर कह रहा हूँ केंद्र सरकार के द्वारा लगाई गई है, उसकी वजह से इनकी जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड की आई यदि 66-67 पर बैरल है तो भी हमारे यहाँ दाम कम नहीं है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो कम दाम है उसका फायदा हम जो है वो हमारे कंज्यूमर को नहीं दे पा रहे हैं। तो ये एक सबसे बड़ा कारण है। पर जो ये तो आपने खासकर फ्यूल प्राइसेस के बारे में देखा, और इसीलिए आप देखते हैं कि यदि जो हमारे जो इन्फ्लेशन के जो फिगर जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के द्वारा जो रिलीज किए जाते हैं उसमें जो इन्फ्लेशन जो बढ़ा है हमारा, वो इन्फ्लेशन के दो जो सबसे बड़े जो कारण हैं कि वो एक जो खाद्यान्न में है इन्फ्लेशन, जो फूड इन्फ्लेशन जिसको कहते हैं, और एक फ्यूअल जो प्राइसेस है और उसके कारण जो ट्रांसपोर्ट की कास्ट पड़ी है, ये इन्फ्लेशन बढ़ने का जो है प्रमुख कारण रहा है। और ये मैं आपको बताऊं कि ये अभी और आने वाले जो खासकर 2-3 महीनों में ये इन्फ्लेशन हमारा ज्यादा रहने वाला है। और खासकर यदि आप थोक मूल्य सूचकांक को देखेंगे तो ये पिछले 8 साल के उच्चतम स्तर पर है, होलसेल प्राइस इंडेक्स। ये तो खैर मैं फिगर के रूप में बता रहा हूँ आपको, पर हम सभी जो लोग हैं जो कि चीजों को उपभोग करते हैं, हम तो उसका अनुभव करते हैं, हम बाजार में जाके खरीदते हैं, और अभी आपने बताया कि सारी चीजें कितनी महंगी मिल रही है, खासकर खाद्य तेल है, दाल है, और जो है सब्जियां हैं,
तो इन इन चीजों में जो वृद्धि तो हम महसूस कर रहे हैं, हम खुद ही जाके खरीद रहे हैं, चाहे वो कालाबाजारी हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, या होर्डिंग हो, या आपूर्ति की बाधाएं हो लॉकडाउन के कारण जो हुआ है, तो ये तो हम महसूस कर रहे हैं। पर यदि आप ओवरऑल भी फिगर के रूप में यदि देखेंगे, तो जो मैं ये खास के कहना चाहता हूं कि पिछले बार भी यदि आप पिछले साल के यदि देखेंगे, तो जब जो पहला जो कोरोना वायरस की वेव आई थी पिछले साल का, तो पिछले साल जो स्थिति थी उसकी तुलना में इस साल जो स्थिति है वो ज्यादा है। ये एक बड़ा हमें जो है ये देखने की बात है कि हम पिछले साल के जो सबक थे उससे इस साल हमने सबक नहीं लिया, और उस अभी भी हमारी, जैसे मैंने बताया कि होलसेल प्राइस इंडेक्स पिछले 8 साल की तुलना में बहुत ज्यादा है। और उसी तरीके से यदि आप ये हम जिसको कि आम उपभोक्ता महसूस करता है, जिसको हम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कहते हैं, ये भी पिछले जो है 2-3 महीनों में ये बहुत बढ़ा है, और इसका ये ज्यादा बढ़ा है, पर आपको फिगर के रूप में कम दिखेगा, जिसकी लास्ट ईयर इसी मंथ में बेस जो है बहुत ज्यादा था। तो ये चिंता की बात है कि पिछले पहली फर्स्ट वेव ऑफ कोरोना वायरस के में जो इन्फ्लेशन था उसकी तुलना में इस साल जो है जो अभी सेकेंड वेव में जो है इन्फ्लेशन ज्यादा बढ़ा है। और खासकर मैं एक बात और भी इसमें ऐड करना चाहूंगा कि जो गैप है ग्रामीण और शहरी उपभोक्ताओं का इन्फ्लेशन, जो रूरल इन्फ्लेशन होती है ग्रामीण क्षेत्र में और जो शहरी क्षेत्र में जो मूल्यों में वृद्धि होती है, इसका गैप भी पिछले साल जो था इन्फ्लेशन कोरोना वायरस के समय, तो उसके मैं कंपेरेटिव फिगर्स देख रहा था, तो पिछले साल की तुलना में इस साल ये जो शहर और ग्रामीण के बीच में वस्तुओं के मूल्यों में जो वृद्धि हुई है उसका गैप भी बढ़ा है। तो ये ना केवल जो है स्थिति बड़ी है, और यहाँ मैं ये भी बताना चाहूंगा कि शहरों में जो इन्फ्लेशन है वो ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में कहीं ज्यादा है, और जैसे कि मैंने बताया कि पिछले साल की तुलना में इसमें भी गैप ज्यादा बढ़ा है। जी मोदी जी से भी जान लेते हैं। मोदी साहब, खैर विकास जी हैं, जितेंद्र मिश्रा जी हैं, उनसे तो बाद में बात होगी। मोदी जी, अगर कोरोना का कहीं इफेक्ट ज्यादा नहीं पड़ा है तो खेती में नहीं पड़ा है, किसानों के बीच नहीं पड़ा है, और ये जो चीजें डेली यूज की चीजें हैं, जो प्रतिदिन हम उपयोग करते हैं, दाल हो, आटा हो, चावल हो, मूंगफली का हो, आलू का, इनमें क्यों रेट बढ़ गए हैं? कोरोना का इफेक्ट मैं मान सकता हूं कि बाकी चीजें उत्पादन है, साबुन है, तेल है, हो सकता है उसमें फर्क पड़ रहा हो, दो चीजों में क्यों बढ़ गए? एक तो ये जो खेती में इफेक्ट नहीं पड़ा कोरोना का कहीं से, फिर भी रेट बढ़ गए, और दूसरा प्रति बैरल, जैसा कि रविंद्र साहब ने भी बताया कि प्रति बैरल रेट कम है इंटरनेशनल मार्केट में, लेकिन उसका फायदा हमको नहीं मिल रहा है, दूसरे उन जनता को नहीं मिल रहा है, सरकार को मिल रहा है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि पहले क्या टैक्स लगाती थी सरकार और आपका क्या टैक्स है, और रही सवाल इसका कि खेती जो होती है, जो रोजमर्रा की चीजें दैनिक उपयोग में आती है, वो क्यों बढ़ रही है? सर, मैं बताना चाहूंगा कि पहले अभी आज का जो रेट है क्रूड ऑयल का वो $68 प्रति बैरल है। जी, अगर $68 प्रति बैरल के हिसाब से बात करें तो इसका कन्वर्जन प्राइस 38 से 40 रुपए आएगा। जी, जिसपे सर 34 से 35 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स है और 26 से 27 रुपए स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स है। जी, और करीब करीब इसके ऊपर देखा जाए तो 4.5 रुपए का कमीशन पेट्रोल पंप वालों का रहता है। जी, प्रति लीटर ये सब मिला के देखें तो पेट्रोल पंप का प्रति लीटर 4.5 रुपए प्रति उनका 4-4.5 रुपए रहता है। 3.90 रुपए था 1 मार्च का, अभी थोड़ा सा प्राइसिंग में अपडेशन आया है तो वो 4.10-4.20 रुपए के आसपास है। जी, परंतु सबसे बड़ी बात यह है सर, जब स्थिति विकट है तो सरकार पहले तो बोल रही है कि आप लोग सब बंद कर दीजिए, चीजों को कम करिए, गवर्नमेंट पास ऑन नहीं करना चाह रही है तो महंगाई और बढ़ती जा रही है, क्योंकि 34 रुपए 35 रुपए अगर सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी, 26 रुपए 27 रुपए अगर स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लेगी, जिसकी प्राइसिंग कुल 40 रुपए है, कैसे सर्वाइव करेंगे? जी, तो एक तो कारण ये है, और सर पेट्रोल और डीजल तो सारी चीजें जुड़ी हुई है, क्योंकि इसी के कारण आपकी कॉस्टिंग बढ़ती है। यही अब सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि अभी जो प्राइसिंग बढ़ रही है ट्रांसपोर्टेशन के लिए चीजें नहीं मिल रही है, तो जब ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो उसको इसमें एड ऑन करके आ रहा है, तो प्राइसिंग ऑटोमेटिकली हाइक हो गई। जी, एक प्रॉब्लम ये, दूसरा
सर मैं जो आपने मेरे से बोला कि जो प्राइसिंग बढ़ रही है ये सिर्फ इसलिए बढ़ रही है सर कि अनुमानित दर पे बढ़ाए जा रहे हैं, क्योंकि सोर्स ऑफ अर्निंग तो किसी के पास भी नहीं है अभी। अब आदमी को अगर अर्न करना है तो जो चीज से कमा सकता है सिर्फ उसी चीज से कमाने की सोच रहा है, इसलिए प्राइसिंग हाई हो रही है। मतलब मैं सिर्फ जनता के लिए नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा गवर्नमेंट भी यही कर रही है। सर आज 101 रुपए हो गया भोपाल में पेट्रोल, तो मतलब गवर्नमेंट जितना इम्पोज कर सकती थी पे आ गई, बिल्कुल अपने हाई प्राइस जो कर सकती थी वो उन्होंने कर दी। स्थिति ऐसी है कि सर अभी तो मतलब गवर्नमेंट को टैक्सेस डाउन करना चाहिए। मतलब मुझे सबसे बड़ी व्यथा सर इस पे है कि लाइफ सेवर जो मेडिसिन है उसके ऊपर गवर्नमेंट जीएसटी क्यों नहीं कम कर रही है, क्यों गवर्नमेंट उसको जीएसटी ले रही है। एक तरफ हमारी माननीय जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो ये कहती थी कि हम मतलब उनका बयान है ये मीटिंग में कि हम इसलिए जीएसटी लगा रहे हैं ताकि इनपुट मिले। अरे सर जीएसटी में उनको भी पता है इससे ऊंचे पद पे है कि 0.010 की ड्यूटी है जो मर्चेंट एक्सपोर्टर्स को मिलती है, सेम वही प्राइसिंग कर दें, अभी लोगों से वो पैसा वसूल कर ले बाद में उसकी रिबेट दे दें। इससे बेटर है कि सर ऑटोमेटिकली जो आप 12% 18% सैनिटाइजेशन पे लग रहा है, 5% आपका वैक्सीन पे लग रहा है, क्यों प्राइस लग रहा है? ये महंगाई बढ़ेगी ना, इससे कम कैसे होगी जी? और ये खेती सबसे बड़ा, हाँ बोलिए, जो मतलब मैंने बताया ना कि कोरोना का अगर इफेक्ट कहीं नहीं पड़ा है तो किसानों पे नहीं पड़ा है, सिर्फ और सिर्फ किसान खेती पे नहीं पड़ा है, नहीं पड़ा है, तो वो भी क्यों मांगे हैं? आटा जो 30 रुपए 25 रुपए वो 40 रुपए 45 रुपए जा रहा है, चावल जा रहा है, दाल 150 क्रॉस कर गई, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, डिस्पैच कॉस्ट, इसके बाद सर अवेलेबिलिटी कॉस्ट, इन सब चीजों को देखा जाए तो सबको, और फिर सबसे बड़ी बात इसमें मैं जोड़ लूँ तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जिसके पास गुड्स है वो अपनी प्राइसिंग जोड़ के बेच रहा है और जिसके पास क्वालिटी है उसकी प्राइसिंग वैसी आ रही है। तो सर वो कहने का ये मतलब है कि हर कोई वो निकालने की कोशिश कर रहा है कि किस तरह से अपॉर्चुनिटी को ढूंढा जाए और प्राइस तय की जाए, इसलिए ये प्राइसिंग बढ़ रही है, अदरवाइज कोई रीजन नहीं। चलिए आपके पास फिर से आते हैं, और से बहुत सारे मुद्दे हैं जो आपसे जानकारी लेंगे कि आखिर कब महंगाई या कभी कम होने की उम्मीद है। एक बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बढ़ जाते हैं, परिवहन के चार्ज बढ़ जाते हैं, लेकिन अगर पेट्रोल डीजल के दाम घटते हैं तो वो ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज कभी नहीं घटता है, अभी तक के अपने अनुभव के अनुसार। विकास जी बधाई हो, आपने सेंचुरी मार दी आपकी सरकार ने। आप मुस्कुरा रहे हैं, बधाई स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं विकास जी आप? नहीं नहीं, बधाई का विषय नहीं है, महंगाई अगर किन्हीं भी उत्पादों में बढ़ती है तो सरकार के लिए हमेशा चिंता का विषय है और सरकार उसके उपाय तलाशती थी जी। उपाय क्या तलाश है कि विकास जी, दो दो अर्थशास्त्री बता रहे हैं, दो दो अर्थशास्त्री बता रहे हैं कि जो इंटरनेशनल पेट्रोल डीजल और अभी गैस की केवल बात कर रहे हैं, बाकी चीजों में तो हम और बात करेंगे, अभी जो ये रेट बढ़ रहे हैं उसकी वजह क्या है वो भी बताऊंगा मैं आपको, सवाल लूंगा। इंटरनेशनल प्राइस जो है प्रति बैरल डॉलर के हिसाब से प्रति बैरल वो कम है, मैंने अच्छे से देखा, जब इसकी 100 के करीब इसका रेट चला गया था तब 65-70 था यूपीए सरकार में, आप लोगों ने जगह जंतर मंतर से लेकर सब जगह आप लोग धरने पे बैठे थे गैस सिलेंडर लेकर के, आज आज उस बैरल प्रति बैरल रेट कम है और आप सेंचुरी लगा रहे हैं, तो दोनों अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि सरकार इसका फायदा ले रही है, आम जनता नहीं ले रही है। इस समय आपको कोरोना की महामारी के दौर में आपको टैक्सेस कम करने चाहिए। पाटिल जी आपका सुझाव अच्छा है और उसके ऊपर मंथन भी किया जा सकता है, लेकिन मैं एक बात कहूंगा, हमारी सरकार और खासकर से सेंट्रल गवर्नमेंट को केवल कटघरे में गिरने का इस माध्यम से प्रयास नहीं है जी। मैं बड़ी स्पष्टता से कह रहा हूँ, आप जो बात कर रहे हैं आज से 6-8 साल पहले की, तब प्राइसिंग मैकेनिज्म अलग था, टैक्स मैकेनिज्म अलग था। देखिए आज टैक्स मैकेनिज्म अलग है और ये केवल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश की सरकारों पर तो लागू नहीं होता ना जी। ये तो अन्य जो राजनीतिक दल है उनकी भी सरकारें अलग अलग जी। मैं आपको बता देता हूँ, रायपुर का
रायपुर में 90 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल है, 80 रुपए 50 पैसे पर डीजल है, और आपके यहाँ 100 रुपए 8 पैसे पेट्रोल है और 91 रुपए डीजल है। दूसरी सरकार की आप बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने बता दिया आपको। देखिए मैं बताता हूँ, अब आपने रायपुर से केवल कंपेयर कर लिया, आपने मुंबई से कंपेयर नहीं किया, आपने कोलकाता बंगाल से कंपेयर नहीं किया, वहाँ देखेंगे अब तो वहाँ पे ज्यादा भी है। देखिए थोड़ा ये सब 5-10% में चल सकता है। नहीं नहीं दिल्ली का भी बता दीजिए ना जी, दिल्ली दिल्ली हाँ दिल्ली भी अलग हो सकता है, ठीक कह रहे हैं आप। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट की एक्साइज ड्यूटी तो सब जगह एक जैसी है, लेकिन विकास जी हिंदुस्तान भर में, थोड़ा राजस्थान की बात करें, हिंदुस्तान भर में सबसे महंगा है भोपाल में, ठीक सबसे महंगा भोपाल में है। आज की तारीख में आप गिन रहे होंगे, हफ्ते भर 15 दिन पहले तो राजस्थान के कई शहरों में भोपाल से महंगा था जी। मुझे आज का मैंने देखा नहीं टैली में क्या है, लेकिन पेट्रोलियम प्रोड्यूसर्स और पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर प्राइसिंग सिस्टम हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। इवन कोरोना काल में उसे अलग से कोई काम तो उससे किया नहीं गया है, जो उसका एक सिस्टम और मैकेनिज्म बना है वही फॉलो हो रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि सरकार ने कोई नई उसमें रद्दबदल किए जो बहुत आज चर्चा का विषय हो सकती है। मैं तो केवल इसका निवेदन करूंगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ही केवल कंजरे में खड़ा किया जाएगा तो उन सरकारों से भी तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी सरकार आपकी ही है ना, दिल्ली में सरकार आपकी है ना। देखिए ये पेट्रोल डीजल की प्राइस और गैस सिलेंडरों की प्राइस वहीं से तय हो रही है, यहाँ का टैक्स वो अलग लगता है, वो अलग बात है। जो टैक्स लगता है, मोदी जी जो कह रहे हैं कि 38-40 रुपए लैंडिंग प्राइस आती है पेट्रोलियम बास्केट की पर लीटर, और उसके बाद में उसके विविध खर्चे और टैक्सेशन है, तो टैक्सेशन में तो शेयर स्टेट गवर्नमेंट का भी, सभी स्टेट्स का है, सभी स्टेट्स का शेयर आता है, सभी स्टेट्स अपना अपना कमर्शियल टैक्स लेते हैं। तो मुझे लगता है त्रिपाठी साहब की ये तो एक बहुत हमेशा से हम चर्चा करते रहे, रविंद्र साहब आऊंगा मैं आपके पास आऊंगा, विकास जी का उत्तर आ जाए पूरा जी, विकास जी हम चर्चा करते रहे हैं जी, कोई नई बात नहीं हुई है, घटी है जी। टैक्सेशन सिस्टम सरकारें जो फिक्स करके रखती है टैक्स परसेंटेज वाइज, वो रोज तो बदला नहीं जा सकता। पेट्रोलियम कंपनियों को अपने परचेज बास्केट के हिसाब से जरूर प्राइजेस ज्यादा बार वेरी करना पड़ती है, इस वजह से यह अंतर आया है। और मुझे लगता है आपने जो सुझाव दिया है कि कोरोना के वक्त में सरकारों को सोचना चाहिए, तो मुझे लगता है सभी सरकारों के लिए सोचने का विषय है, हर राजनीतिक दल की, वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हमारी हो, वहां सब जगह सोचा मंथन किया जाएगा, कोई दिक्कत जी। आपने कहा कि ये महंगाई का ये मुद्दा चलता रहता है, आज विषय आपने सोच लिया होगा महंगाई, मैंने इसलिए सोचा महंगाई का विषय पेट्रोल, एक्चुअल में जब क्रिकेट मैदान में बैट्समैन सेंचुरी मारता है तो हेलमेट उतार करके ऊपर की तरफ देखता है और अपना बल्ला भी ऊपर ले जाता है, तो आज मैं आ रहा था तो सड़क में कुछ लोग हेलमेट उतार के ऊपर देख रहे थे, हेलमेट उतार रहे थे, साथ में मोटरसाइकिल थी लेकिन हेलमेट उतार के ऊपर देख रहे थे कि हमारी सरकार ने मध्य प्रदेश में सेंचुरी लग गई है। चलिए विकास जी, साइकोलॉजिकल अंतर जरूर पड़ता है लेकिन कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं है। साइकोलॉजिकल अंतर पड़ सकता आप कहेंगे 2 फिगर से हम 3 फिगर पे गए। चलिए चलिए अरहर दाल मूंग दाल इनके रेट पे भी अभी आएंगे आपके पास, और साथ जितेंद्र जी हैं, जितेंद्र जी मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही, बिल्कुल आ रही। जितेंद्र जी विकास जी ने जो कुछ कहा है हम आपसे कोई सवाल नहीं कर रहे हैं, आप उनके उत्तर दे दीजिए विकास जी के। देखिए त्रिपाठी जी, सबसे पहली चीज तो मुझे इस बात को लेकर के बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि लगातार पेट्रोलियम के रेट बढ़ते जा रहे हैं और विकास जी के चेहरे पर सिकंद देखने को नहीं मिल रही है। उन्होंने बड़े इजी तरीके से इस चीज को लिया है, उन्होंने ये कहा है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा चलता रहता है, मैनेजमेंट आज कह रही है मैनेजमेंट पुराना है। अरे मैनेजमेंट बनाया आपने, आप ये बताइए कि 34 रुपए से केंद्र सरकार टैक्स ले रही है, 26 रुपए स्टेट गवर्नमेंट टैक्स ले रही है, आप पेट्रोल से ज्यादा उस पर टैक्स रगड़ दिया आपने, और आप ये कह रहे हैं कि कोई खास फर्क नहीं पड़ता। आंकड़ों की बाजीगरी दिखाने से काम नहीं चलेगा। आज हिंदुस्तान की जनता के सामने सीधा सवाल ये है, जो भारतीय जनता पार्टी की
सरकार से त्रिपाठी जी पूछना चाहती है कि आज इस महामारी के दौर में ऐसा कौन सा मुनाफाखोरी सरकार की आवश्यकता बनी हुई है ये स्पष्ट करे। आज तो सब्सिडाइज हो रही है, हम भी सरकार में रहे, हमने पेट्रोल डीजल पर सब्सिडी दी है तब जाकर के कहीं रेट मैच हो पाया, $150 प्रति बैरल का रेट, और हमने ₹57 में जब पेट्रोल डीजल बेचा था जब यही लोग आपत्ति करते थे यही लोग उंगली उठाते थे, और आज $66-66 प्रति बैरल पर आप देखिए ₹100 से ऊपर कर दिया। यही हालत रहे, सरकार अगर निरंकुशता को बढ़ावा देती रही तो आप ये देखिए ₹120 लीटर भी इस देश में पेट्रोल बिकेगा। ये क्या मजाक बनाए त्रिपाठी जी, बात करने की जरूरत, मध्यम वर्गी की तरफ कौन सा ध्यान सरकार दे रही है, गरीब आदमी की तरफ कौन सा ध्यान दे रही है। अभी आपने कहा कि सारी महंगाई बढ़ रही है, आप ये देखिए जब आना जाना महंगा है, परिवहन आप महंगा कर दोगे तो आप सस्ती चीजें कहां से उपलब्ध करा पाएंगे। त्रिपाठी जी ये सवाल बनता है, सीधा जवाब आना चाहिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि ऐसा क्या कारण है कि लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, और आप ये कह रहे हो कि हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, सारा का सारा बाजार के हवाले है, जब हम कहते थे इसको जीएसटी के दायरे में लाइए जब आप समझ में नहीं आती थी आपको। आज एक चीज देखिए त्रिपाठी जी, जी हिंदुस्तान में पेट्रोल डीजल की बात कर रहे हो आप, लगातार सड़क टेस्ट पे टेस्ट लगाते जा रहे, अगर हिंदुस्तान की जनता कहती है हमको सड़कें चाहिए तो उससे कहते हैं सड़कें अच्छी चाहिए 2% टैक्स दो, अगर वो कहता है हमको एजुकेशन चाहिए तो 2% टैक्स दो, अगर वो कहता है हमारी सड़कों में गंदगी क्यों है तो 2% टैक्स दो। आज हर चीज पे 2% टैक्स लगा देते हो आप, यहाँ तक स्थिति है त्रिपाठी जी हिंदुस्तान में अगर मरना चाहे आदमी तो उस पर भी ₹2000 लकड़ी का श्मशान में लिया जा रहा है, ₹5000 कंधा देने वाले ले रहे हैं, इस तरीके से संगठित लूट है, इसको ऑर्गेनाइज लूट कहा जाएगा, ये कोई लोकतंत्र देश की सरकार नहीं है, ये तो निरंकुशता की सब। अगर आप सवाल पे मैं करा तो कहते हैं नेहरू जी दोषी है इसके लिए महंगाई बढ़ने के लिए। अभी आपने देखा जो अर्थशास्त्री बता रहे थे कि विगत आठ साल में स्थिति बेकाबू होती जा रही है, पूरी की पूरी इस सरकार की दोषारोपण करना चाहिए लेकिन जितेंद्र जी निश्चित तौर पे आपने बहुत अच्छे आंकड़े बताए, सारी चीजें बताई। आप भी जानते हैं कि विपक्ष सरकार चलाने में विपक्ष का भी एक रोल होता है, अगर सत्ता पक्ष के लोग निरंकुश होने लगे या सत्ता पक्ष में कुछ गड़बड़ होती है तो विपक्ष को सचेत करना चाहिए, और आप ये जानते हैं कैसे सचेत किया जाता है। सिर्फ ट्विटर पर, एक मिनट मेरा सवाल सुन लीजिए, सिर्फ ट्विटर पर अपने विचार प्रकट कर देने से नहीं होता है। विपक्ष ने ये बताइए, जब आप लोगों के समय महंगाई बढ़ती थी तो हर जगह धरना प्रदर्शन करते थे, आपने सांकेतिक भी, मैं मुझे नहीं लगता है आज ही ₹100 रेट हुआ, सांकेतिक मैंने कहीं भी नहीं देखा कि दो लोग चार लोग भी इसके विरोध के स्वरूप कहीं धरना दिया हो, सिर्फ ट्विटर पर बयान आ रहे हैं। आप विपक्ष क्या कर रहा है त्रिपाठी जी, आपको ये बताऊं महंगाई की बात आज से नहीं रह गई है, महंगाई को जो लेकर के जब हमने वित्त मंत्री को घेरा था तो वित्त मंत्री का जवाब आया था कि प्याज महंगा हो रहा है, मैं तो प्याज खाती नहीं हूँ। आज देश का स्वास्थ्य मंत्री इस सब चीजों से बेखबर, आप ये देखिए लूडो खेल रहे घर में, कई कह रहे हैं कि चॉकलेट प्रोटीन वाली खाइए, डार्क चॉकलेट खाइए, यहाँ पर आटा तो मिल नहीं रहा, 2 जून की रोटी नहीं मिल रही है, और इस देश का स्वास्थ्य मंत्री कहता है डार्क चॉकलेट खाइए उससे कोरोना में असर पड़ता है। तो मेरा ये कहना है त्रिपाठी जी, लगातार इसको लेकर विरोध किया, आपने देखा महंगाई के विरोध में भोपाल की कहां विरोध किया जितेंद्र जी, मैंने बताया ना, मैंने बताया ट्विटर पे बयान दे करके चिट्ठी जारी करके, अरे जिस तरह से जमीन पे आके विरोध करना चाहिए आपने, मैंने कहीं विरोध नहीं देखा। त्रिपाठी जी आज कोरोना की महामारी में आप देख रहे हैं लगातार कोरोना को, अरे कोरोना के बीच में जो सितंबर अक्टूबर के बीच में आप भी चुनावी रैली करते रहे हैं, आप भी दबाव में रैली किए हैं, वो अलग बात है कि राहुल जी ने कह दिया कि मैं कलकत्ता में रैली नहीं करूंगा कोरोना के उससे, लेकिन केरल में उन्होंने भी की, तो आपने कहीं पे, अरे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए धरना हमें तो नहीं दिखा, तो विपक्ष भी यहां नाकाम है। त्रिपाठी जी हमने धरना गांधी प्रतिमा पे दिया है, आपने देखा 14 तारीख को जो हमारा धरना हुआ था गांधी प्रतिमा में, इन्हीं सब नाकामियों के खिलाफ हुआ था, और आने वाले समय में हम फिर सड़कों पे उतरेंगे, इस सरकार की नाक में दम कर देंगे, लेकिन चूंकि कोरोना महामारी के कारण हम सब लोग आज
इस देश में रूरल एरिया में किस तरीके से जाने जा रही है ये तो देखिए। सभी लोग वहाँ सुविधाएं मुहैया कराने के लिए 65 विधायक हमारे राशि दे चुके हैं कोरोना महामारी में। आपने देखा 1.5 करोड़ रुपए की राशि दी है तो कांग्रेस के विधायक ने दी है। तो भारतीय जनता पार्टी के स्वास्थ्य मंत्री का पता नहीं है कहीं भी। आप ये देखिए इनको बंगाल और असम चुनाव से फुर्सत नहीं थी कोरोना की बात करने की, कहां समय रखा था इनको जब हम सड़क पर जूझ रहे। आज कोरोना का मुद्दा नहीं, आज महंगाई का मुद्दा है, निश्चित महंगाई का मुद्दा है। मैं बता रहा हूँ कि इसी दौरान इस समय भी अगर सरकार नहीं चेती आने वाले दिनों में अराजकता फैल जाएगी। जिस तरीके से आपने देखा अभी सुना आपने कि कैसे लगातार वस्तुओं की कीमतें बढ़ती जा रही, उसके पीछे कहीं ना कहीं यह है अवसरवादी अपॉर्चुनिस्ट जो अभी मोदी जी ने भी बताया। अब काला बाजारी अनाधिकृत रूप से सामान का इकट्ठा करना और उसको अपने मूल्य पर, क्योंकि आप लगातार लॉकडाउन कर रहे हैं सामान मिल रहा, व्यापारी निरंकुश है, व्यापारियों के ऊपर कोई अंकुश नहीं है। आपकी जो टीम बनी है वो भी पैसे जितेंद्र जी, विपक्ष ही कहता है कि लॉकडाउन करने में देरी कर दी जिससे कोरोना फैल रहा है, फिर आप कह रहे हैं कि लॉकडाउन लगातार कर रहे हैं, विपक्षी मांग कर रखे आपके पास आएंगे रविंद्र जी। जब लॉकडाउन की बात नहीं है, लॉकडाउन किया आपने लेकिन उसमें आपने क्या सुविधा दी, कैसे घर घर सामान पहुंचाने की बात की, सिर्फ लॉकडाउन कर देना ही हल नहीं है त्रिपाठी। बिल्कुल ये सही कहा आपने, लॉकडाउन इस समय कोई हल नहीं है क्योंकि लॉकडाउन जिस तरह से है उस लॉकडाउन का कोई मतलब नहीं है। सिर्फ छोटे व्यापारी, मझौले व्यापारी जिनकी दुकानें बंद करा दी गई हैं उनकी कमर टूट गई है, और आम आदमी खासकर मध्यम वर्गीय परिवार की कमर टूट गई है। खेती में जिस तरह मैंने मोदी जी से भी मैंने पूछा था, ब्रह्मा जी से भी मैंने पूछा था कि ये सब्जियां, रोज की सब्जियां क्यों महंगी हो रही, इसमें परिवार बहुत ज्यादा नहीं है, आप भी ध्यान देते होंगे, गांव से लोग सब्जी शहर पे लाते हैं और बेचते हैं, ये यहाँ बिचौलिए जो हैं, जो आड़तिए हैं वो अपने मनमानी रेट से वसूल रहे हैं। उस किसान को वही रेट मिल रहा है 2 रुपए 4 रुपए किलो टमाटर, वो आज बेच के चला जा रहा है, परिवहन के कारण नहीं है, ये व्यवस्था के कारण है, कहीं ना कहीं व्यवस्था सही नहीं हो पा रही इसके कारण है। रविंद्र जी आप कुछ कह रहे थे जब विकास जी उत्तर दे रहे थे। हाँ, मैं यही कह रहा था, एक तो ये बात है कि जो पेट्रोल डीजल पे जो बात हो रही है इसमें जो केंद्र सरकार का टैक्सेशन ज्यादा है जी, राज्य सरकारों का टैक्सेशन कम है, जबकि केंद्र के पास इसों से ज्यादा, ये एक बात हमको अच्छे से समझनी पड़ेगी। तो 35 और 33 रुपए यदि है रेट केंद्र सरकार का इनका, तो 70 रुपए तो ऐसे ही हो जाता है ये रेट का, तो राज्यों का 20-22 रुपए का टैक्सेशन आता है ओवरऑल, यदि एवरेज यदि आप देखेंगे तो यदि मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो ये इतना टैक्सेशन है। तो ये जो चीज है इसे स्पष्ट रूप से ये केंद्र की इसमें जिम्मेदारी बनती है, मैं यहाँ पे कहूंगा कि वो थोड़ा सा जो फ्यूल पे का जो इन्फ्लेशन है उसको थोड़ा कम करे और कंज्यूमर को जो लाभ है उसका, जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम कीमत है उसको उपभोक्ता तक उसको पास ऑन करे, उपभोक्ता के पास वो जाए यदि कीमत कम हो रही, एक बात तो ये है। और दूसरा ये है कि यदि आप देखें तो ये जो महंगाई जो बढ़ रही है ये अभी हम मार्च या हम अप्रैल से ना देखें, ये महंगाई जो है जनवरी फरवरी के फिगर भी देखेंगे अभी अप्रैल मई के, तो वहां से महंगाई बढ़ना चालू हो गई। तो सिर्फ यदि आप ये जो कंज्यूमर जो आपका उपभोक्ता का जो महंगाई बढ़ रही है ये आपकी फरवरी मार्च और आप तो अप्रैल में जाके लॉकडाउन कर रहे हैं तो वहां से फिगर आ रहे हैं कि वो ऊंची बनी हुई है। तो ये इसके आपको देखना पड़ेगा, खासकर एक बहुत बड़ा जो रीजन था खासकर जो फ्यूल का बड़ा इसमें रोल है। दूसरा जो आप प्रश्न जो पूछ रहे थे कि जो खाद्यान्नों की जो कीमत है इसमें जो 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 स्पष्ट रूप से जो सरकारों की जो फेलियर है वो ये है कि वो जैसे आप बात भी कर रहे थे कि उनकी आपूर्ति को किस प्रकार से आप उसको निरंतरता उसमें बनाए रखेंगे, दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ की उनकी जो सप्लाई चेन है उनकी जो आपूर्ति है वो आपूर्ति नहीं हो, एक सब्जी वाला है वो यदि आज उस लॉकडाउन कारण उसकी सब्जी आप नहीं आ पा रही है तो वो वेस्ट हो गया। तो ये जो चीज हो रही है इसको किस प्रकार से सुनिश्चित कर सकते हैं और उतना जो है लॉकडाउन किस तरीके से लगे कि इनकी आपूर्ति सुनिश्चित रहे, क्योंकि काफी ज्यादा प्राइस है तो कहेंगे आप जो आम उपभोक्ता जा रहा है दुकान में खरीदने सब्जी खरीदने साहब आपूर्ति नहीं है हमारे पास इतना स्टॉक है, वो अपनी मनमानी कीमत बढ़ा रहा है जो भी आप
कह रहे हैं दाल के संबंध में, सब्जियों के संबंध में और दूसरी, तो यहाँ पे कहीं पे सरकार की जिम्मेदारी आपूर्ति को कैसे सुनिश्चित करें, और ये जो जो जहाँ पे जो कालाबाजारी है या जहाँ होर्डिंग करके कीमत बढ़ाई जा रही है उसको नियंत्रित करें, ये दो 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 चीजें हैं। तीसरी चीज यदि आप देखेंगे तो जो केंद्र सरकार जो है अप्रैल में और खासकर हमारे यहाँ जो रुपए की कीमत में गिरावट आई है, ये भी एक बड़ा कारण रहा है। अप्रैल में हमारे रुपए की कीमत में लगभग यदि 1.5 रुपए कीमत कम हो रही है, ये एक बहुत बड़ी बात है। आपके रुपया का यदि जो है अवमूल्यन हो रहा है, और जिसका कि आप का जो असर पड़ेगा कि आपका जो जो इम्पोर्ट है वो आपका जो है आपका महंगा हो जाएगा आपका, तो उसका प्रभाव आपके जो है स्थिति पे पड़ेगा। तो ये दो तीन बात है, और इसलिए मैं खास कर ये कहना चाहूंगा जो पहले ही मैंने कही कि पिछले बार के जो कोरोना का जो था एक साल पहले और आज यदि हम देख रहे हैं तो आज महंगाई ज्यादा बढ़ी है पिछले लॉकडाउन की तुलना में, तो ये भी एक बहुत बड़ी चिंता की बात है कि जो है और ये केसेस भी बढ़े हैं, केसेस भी बढ़े हैं रविंद्र जी, जो है ये मृत्यु दर भी बढ़ी है, ज्यादा रहने की संभावना है, मृत्यु दर भी बढ़ी है, केसेस भी बढ़े हैं, और जब केसेस बढ़े हैं तो आप भी जान रहे होंगे कि दवाइयों की कालाबाजारी हो रही है, जो जो जरूरत वाली चीजें हैं, जरूरत की टेबलेट्स हैं वो महंगी हो गई हैं, हॉस्पिटल्स के बिल 3-3 लाख 4-4 लाख। मैं एक और बात यहाँ पे ऐड करूँ कि जो इन्फ्लेशन, मैं एक खास बात यहाँ पे जोड़ना चाहूंगा कि स्फीति में जो वस्तुओं की जो स्फीति की गणना की जाती है उसमें हेल्थ में जो इन्फ्लेशन है जो सरकार के फिगर बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के, हेल्थ इन्फ्लेशन भी हमारा बढ़ा है, यानी दवाइयों की कीमतें जो कह रहे हैं वो दवाइयों की कीमतें बढ़ी हैं। अब मैं ब्लैक मार्केटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑफिशियली ये ऑफिशियली ये फिगर मैं आपको बता रहा हूँ। ब्लैक मार्केटिंग तो आप जो है 4000 का 25000 या 20000 में आप खरे रेमडेसिविर जो है इंजेक्शन वो तो अलग बात है, पर हेल्थ इन्फ्लेशन बढ़ा है। जी विकास जी सुनते रहिए, मैं विकास अपने मोदी जी से भी बात कर लेता हूं, और अपने मोदी जी तक यह मैसेज करवाइए कि जनता टूट रही है। जी मोदी जी। जी सर। जी अभिषेक जी। अभिषेक जी जी नहीं, एक बार फिर से हमारा सवाल आपसे यही है, हालांकि जैसा कहा कि दवाइयों के रेट ऑफिशियली बढ़े हैं, ब्लैक मार्केटिंग तो हो ही रही है, आपदा को अवसर में बदल रहे हैं लोग, वो भी अलग है। एक बात ये कि जो ये खेती वाली बातें हैं बहुत उसमें परिवहन, मैंने आप भी जानते होंगे गंज बासौदा से जाके बिनसा मंडी में जाते हैं, यहाँ आसपास के गांव के लोग यहाँ के मंडी में आते हैं, तो इसमें परिवहन का मुझे बहुत ज्यादा फर्क नहीं दिख रहा है। दस बीस मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि आप जो वेजिटेबल के रेट्स हैं, सब्जियों के जो रेट्स हैं ना, वो आप भोपाल में ही नाप लीजिए कि अगर आप मेन बाजार से लेते हैं तो उसकी प्राइसिंग आपको 30-40 रुपए मिलती है, और आप थोड़े से इंटीरियर एरिया में जाके लेते हैं जहाँ पे सब्जी उगती है वहीं के खेत के सामने अगर उसने दुकान लगा रखी है तो वो आपको 10-12-15 रुपए में मिलती है। इसका मतलब ये है कि उनको जो प्राइसिंग है, जो किसान है उसको प्राइसिंग नहीं मिल पा रही है, कहीं ना कहीं ये मिसमैनेजमेंट है सर सरकार का, कि अगर वो इन सब चीजों को प्रॉपर चैनलाइज करके एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दे तो जो बीच के मुनाफा हो रहे हैं इनकी वो कटना जरूरी है, अदरवाइज प्राइस तो सर वही है जो है, क्योंकि उनको वो प्राइस मिल ही नहीं पा रहा है जो वो डिजर्व करते हैं। ये अननेसेसरी प्राइस को इन्फ्लेशनरी दिखाया जा रहा है जिसके कारण प्राइस बढ़ गए। जी निश्चित तौर पर विकास जी आपने सुन लिया होगा, प्रबंधन की कहीं ना कहीं कमी है, ठीक है आपदा है, लेकिन आपदा को अवसर में बदलने वाले जो लोग हैं उन पे आपका कंट्रोल नहीं है। आप किसानों की सरकार है, आपकी किसानों की सरकार आप कहते रहे हैं, किसानों के हित के लिए हम कुछ भी करेंगे, आज भी किसान, एक शहर में रहने वाले अर्थशास्त्री भी बोल रहे हैं कि आप जहां पे इसकी पैदावार होती है वहां के रेट और यहाँ के परिवहन का रेट नहीं बढ़ा है, ये जो बिचौलिए हैं इनको तो कंट्रोल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात विकास जी, इस समय ये सोचिए, आप खुद सोचिए, आप भी मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, हम भी आते हैं, हमें लगता है सभी लोग आते हैं, जमा पूंजी खर्च कर रहा है आदमी, जो जमा पूंजी अपने इलाज के दौरान, और इस बीच में ये जो रेट जिस तरह से बढ़ गए हैं, भुखमरी की नौबत आएगी नहीं आएगी 4-6 महीने बाद? विकास जी देखिए त्रिपाठी साहब,
मैं दो चार मिनट थोड़ा सा मुझे दीजिए। बिल्कुल, आपको समय है पूरा, क्योंकि उत्तर आप ही को देना है सर। आपने जो अंतिम बात कही जी, भूखमरी की स्थिति इस आपदा के वक्त में आएगी कि नहीं आएगी? देखिए, जब भी इस तरह का, मतलब कंप्लीट लॉकडाउन तो नहीं है, हम कहें कोरोना कर्फ्यू है या कंटेनमेंट एरिया को हमने रोका गया है, तो सरकार आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं जी, विकास जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ विकास जी, आवाज आ रही है। विकास जी, आपके फोन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। विकास जी, मैं आपके पास फिर आता हूँ। जितेन जी, ऐसे समय में विपक्ष को जाग जाना चाहिए। आने वाले समय में मध्यम वर्गीय परिवार जो अपनी जमा पूंजी अपने इलाज में खर्च कर देगा, और जब इलाज में खर्च कर देगा तो आने वाले, जो आप भी समझ रहे हैं बेरोजगारी कितनी बढ़ रही है, क्या करेगा आम आदमी? आप समाज सेवी हैं। निश्चित तौर पर त्रिपाठी जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। अभी मैं सुन रहा था कि ग्रामीण क्षेत्र की, और मोदी जी बता रहे थे शहरी क्षेत्र में फसलों में पैसों का अंतर जी। 2 एकड़ में मैंने टमाटर लगाया जी, मेरा टमाटर वहाँ 2 रुपए किलो में भी कोई नहीं पूछ रहा है जी। भोपाल में 35 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है जी। ये अंतर है जी। इसके पीछे कारण क्या है? आवागमन बंद है, अगर कोई गाड़ी वहाँ से आती है तो रास्ते में रोक ली जाती है, उस पर चालान बनता है, उसको जब्त कर लिया जाता है। अगर आपको लॉकडाउन लगाना था तो उसकी व्यवस्था करना था, कम से कम फुटकर सब्जी व्यापारी अपने वाहन से या सरकारी वाहन से आपको यहाँ पर खरीदी करके, और अगर आप यहाँ पर शहरों में मुहैया कराते तो सब्जियों के रेट इस तरीके से नहीं बढ़ते। लेकिन आपको तो इस सब चीजों से कोई लेना देना नहीं, आपने तो लॉकडाउन कर दिया। अब जो किसान की फसल है वहाँ पे, वो मिट्टी के मोल बिक रही है, और जो थोड़ी बहुत फसल चोरी छिपके भोपाल हो जाती है वो आसमान के भाव छूने लगती है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि लॉकडाउन का जो फैसला हुआ है वो बिना सोचे समझे हुआ है। रहा सवाल जरूरत की सामान मुहैया कराने का, तो सरकार को ये तय करना चाहिए था कि दुकानों से कालाबाजारी ना हो, लेकिन सरकार ने जो इंस्पेक्टर राज लागू किया, आज उसके परिणाम सामने देखने को मिल रहे हैं। खुला निरंकुश दुकानदार जो मंडियों में बेच रहा है, मजबूरी में आपको लेना पड़ेगा। आज अभी मैं सुन रहा था आपकी रिपोर्ट भी, उसमें देखिए क्या महंगाई का स्तर है। सरसों का तेल जो हम 200 रुपए किलो कर दिया इन्होंने, आज हमसे कहते थे कि आपके जमाने में 110 रुपए किलो बिकता है, सोयाबीन तेल 200 रुपए किलो कर दिया, अरहर की दाल अगर 160 रुपए और 200 रुपए तक इन्होंने पहुंचाई। अगर हम कहते हैं दाल के रेट बढ़ गए तो इनके रामदेव बाबा कहते हैं दाल चटनी करके खाओ, क्या जरूरत है गाढ़ी दाल खाने की? तो इस तरीके से इनके रामदेव बाबा कहां से हो गए? रामदेव बाबा सरकार के लिए पूरा काम करते हैं त्रिपाठी जी, आपको बताना पड़ेगा मुझे जी। रामदेव बाबा सरकार के पैरोकार बन के सामने आते जी। अगर जवाब आता है, जबकि इनको पूछना चाहिए कि आज इतने महंगे अरहर की दाल क्यों हो गई है? एक दाल और तेल की बात नहीं हो रही, इस देश में ऐसी कौन सी चीज है जो सही और वाजिब रेट में मिल रही है? कहीं ना कहीं लगातार कालाबाजारी को मौका दिया आपने, कहीं ना कहीं लगातार गलत आंकड़े पेश किया आपने, और सबसे खास बात तो यह है कि ये सरकार संवेदनहीन सरकार है त्रिपाठी, इसीलिए कहीं कोई देखने वाला नहीं है, कहीं कोई सुनने वाला नहीं है। जितेंद्र जी, विकास जी का उत्तर ले लें, बहुत सारे आरोप आ गए हैं। विकास जी, कम से कम प्रबंधन में अगर थोड़ा सा आप बेहतर व्यवस्था कर दे तो हो सकता है कुछ मध्यम वर्गीय परिवार जो है उसको कुछ राहत मिल जाए। और रहा सवाल इसके कि आने वाले समय में क्या होगा, ये सरकार नहीं सोच पा रही है। नहीं त्रिपाठी साहब, सरकार ने सोचा है, और आपदा में जो दिक्कतें आती हैं वो भी हमने चिंतन करी और सरकार ने उसके ऊपर काम भी कर लिया। सबसे पहले मैं बताऊं, हम मध्यम वर्गीय परिवार की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो हमारी बड़ी जनसंख्या है जी, जिसे हम कहें ग्रामीण क्षेत्रों में भी रहती है, निम्न वर्ग से भी है जी, ऐसे लगभग मध्य प्रदेश के अकेले 5 करोड़ लोगों को 3 महीने का राशन सरकार बिना किसी मूल्य के दे। अरे 5 करोड़ उनको छोड़ दीजिए साहब, गरीबी रेखा वालों को, उनको आप सब कुछ दे दीजिए। हम मध्यम वर्गीय परिवार की बात कर रहे हैं, आप कहाँ से दे रहे हैं? अपने घर से थोड़ी दे रहे हैं आप? हम ही और मोदी जी से या ब्रह्मे जी से टैक्स लेकर के दे रहे हैं आप?
आप अपने घर से नहीं दे रहे हैं। अरे तो सरकार का जो भी प्रबंधन होता है वो सरकार के आय से ही तो होता है। तो हम वही बात कर रहे हैं, 5 करोड़ की मर्जी नहीं है, उनको आप दे देंगे। उच्च स्तरीय जो है, जो क्रीमी लेयर है, उनका मत गिनाइए। हम मध्यम वर्गीय की बात कर रहे हैं, जो सबसे ज्यादा है इस देश में। आप तो व्यवस्था की बात कर रहे हैं जी, कि जिसमें बाजार में कालाबाजारी का विषय आ जाता है, या कहें लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट का विषय आ जाता है। अभी जितेंद्र जी ने कहा सब्जी के बारे में जी, इस सब्जी के शहर में आवक पे रोक है, कहीं कोई रोक नहीं है जी। देखिए, कहीं भी किसी सामग्री के आने जाने पे रोक नहीं है, लोगों के आने जाने पे रोक हो सकती है, जो मालवाहक वाहन है उनकी पे तो रोक कोई है नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि सब्जी मंडियां, क्योंकि वहां पे भीड़ भाड़ का लगता था, तो कलेक्टर्स ने अपने अपने अलग अलग शहर में अलग अलग व्यवस्थाएं की है सब्जी मंडी की, तो उस व्यवस्था में परिवर्तन। ये महंगा क्यों हो जा रहा है? 4 रुपए 2 रुपए किलो टमाटर किसान के पास है, और यहाँ 35-40 रुपए क्यों है, ये हम जानना चाह रहे हैं। 35-40 रुपए तो नहीं है, केले वाले 20 रुपए किलो आवाज देके। चलिए चलिए चलिए, आपने माना 20 रुपए, और 4 रुपए भी नहीं मिल रहा किसान को, जितेंद्र जी ने कहा है, और हमारे अर्थशास्त्री ब्राह्मण जी भी कह रहे हैं कि मांग और आपूर्ति के बीच में जो गैप है वो है सबसे बड़ा कारण महंगाई का। आप उस गैप को बनाए पूरा करिए तो शायद ये महंगाई इतनी नहीं बढ़े। देखिए, जिन शहरों में खास करके भोपाल इंदौर में जहाँ पे कोरोना कर्फ्यू है जी, वहाँ पे व्यवस्थाएं वहाँ के जिला प्रशासन ने बनाई है, उन्होंने वेंडर्स निश्चित किए हैं, घर पहुंच सेवा उन वेंडर्स के माध्यम से दी जा रही है, उसके लिए रेट भी अप्रूव जिला प्रशासन करता है, उससे ज्यादा पे वो बेच नहीं सकते, शिकायतें आएंगी, उस आई भी है, उनके ऊपर कार्रवाई भी की गई है। कितनी कार्रवाई हुई साहब, कितनी कार्रवाई हुई? देखिए ना, अब आप हजारों में अगर 0.001% भी नहीं हुई है। हाँ, आपका कहना ठीक हो सकता है, प्रशासकीय प्रबंधन और कसावट इसमें लाना है और ले आई जाएगी। देखिए, अभी प्रशासन का पूरा फोकस था स्वास्थ्य विभाग के साथ में लगकर जो हमारे पीड़ित लोग हो गए, संक्रमित लोग हो गए, उसके मैनेजमेंट के ऊपर था। अभी हमारे पास समस्या ऑक्सीजन की थी, दवाइयों के मैनेजमेंट की थी, रोकटोक का अभियान चलवाने की थी, जनता को कोरोना कर्फ्यू के पालन कराने की थी, अस्पताल में तादाद बढ़ी है तो वहां पे मैनेजमेंट में सरकारी अमले को लगाना पड़ा ताकि चलिए स्वास्थ्य की बार बार बात कर रहे हैं, पूरी चीज दुरुस्त है। मैं कह रहा हूँ कि अब इसके बाद में प्रबंधन इसी के ऊपर अब खास तौर पे हो रहा है, जैसे जैसे संक्रमण के ऊपर हमारा कंट्रोल आया और स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्था। अभी कंट्रोल कहाँ हुआ साहब, विकास जी कंट्रोल की बात मत करिए, नहीं तो बहुत सारी बातें निकल के आएंगी सामने। देखिए, कंट्रोल यूं मैं कह सकता हूँ कि आज हमारा पॉजिटिविटी रेट कमतर हुआ है, रिकवरी रेट बढ़ गया है, टोटल जो मरीज जिस शहर में निकल रहा है उसमें पिछले 1-1.5 हफ्तों में कमी ग्राफ अपर कम पे जा रहे हैं। जांच तो कितनी हो रही साहब, जांच रेट जांच कम कर दोगे तो ग्राफ वैसे ही कम हो जाएगा। नहीं, जांच वांच से कम नहीं होता त्रिपाठी साहब। देखिए, जांच अच्छा मान लीजिए एक बार RT-PCR नहीं भी हुआ, लेकिन व्यक्ति बीमार है वो तो दवा लेने जाएगा ना, उसके लिए तो मेडिकल किट। अब उसके बाद उसमें महंगाई पे है, उसमें बात मत करिए। देखिए, आज भी वैक्सीन के लिए लाइन लगी हुई है, वैक्सीन तो काम केंद्र सरकार का उपलब्ध कराना था, आज भी रेमडेसिविर के लिए लाइन लगी है, प्रबंधन 18 साल के, आज भी फेविफ्लू टैबलेट आराम से नहीं मिल रही है, उधर मत जाइए, अभी महंगाई पे बात कर लीजिए। सब उपलब्ध हो गई है, बीच में जरूर 15 दिन हमें दिक्कत। विकास जी, रेमडेसिविर इंजेक्शन में कहिए तो आपको, मैं आपके पास आ जाता हूँ, आप दिलवा दो हमें। अब बिल्कुल अस्पतालों के मेडिकल स्टोर्स के माध्यम से मिल रहा है और व्यवस्था ही वो बनाई गई। चलिए चलिए, अभी महंगाई के मुद्दे पे आ जाइए कि ये तो कैसे कम हो, हम ये सब कुछ नहीं जानते, आप जो भी है, हम ये जानना चाहते हैं कि चने की दाल 100 रुपए, मूंग की दाल 150 रुपए, आटा जो गरीब के पेट के लिए है वो 35-40 रुपए पहुंच गए, ये क्यों? मैंने आपसे कहा ना कि बहुत बड़े वर्ग के लिए तो अन्य व्यवस्थाएं सरकार ने कर दी है, मेडिकल फैसिलिटीज में भी आयुष्मान के माध्यम से 90% लोगों को इस तरह के मेडिकल खर्चों से सरकार ने फारिग कर दिया है, मतलब वो उनको ज्यादा अब इससे भयभीत होने की या उनके कंधों पे बाहर आने की जरूरत नहीं है जी। अब बचा खुचा काम है, जो मेडिकल की बात आ रही थी उसमें भी जिला स्तर के ऊपर भी और प्रदेश सरकार ने भी जो प्राइवेट क्षेत्र में भी खर्चे होते हैं उसकी सीमाएं निश्चित कर दी है। इसके बाद में इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम नहीं मिल रहा था, इस मामले में
की सरकार में शक्ति बनती है कि वो विद इन दो आवर्स टू आवर्स वो पास होना चाहिए क्लेम, तो कैशलेस का पूरा फायदा होगा। अब जो बातें हैं कि बाजार में दुकानें नहीं खुली हैं और कुछ लोग अगर चीजों के भाव बढ़ा के बेच रहे हैं तो इसमें प्रशासनिक कंट्रोल भी डाला जाएगा। मुझे लगता है कि सामाजिक कसावट की भी जरूरत है, प्रशासनिक कसावट और की जाएगी। ये जो रेट है साहब, ये रेट लिस्ट टांगे हुए हैं लोग, ये ब्लैक वाला मामला नहीं है। ये ऑन डोर में जो सब्जियों के रेट है वो है, जो बाकी जो बड़ी बड़ी जो सप्लाई करने वाली कंपनी उनके रेट है जो हमने आपको बताए हैं। ये आप सोच रहे हैं कि आधे सटर से जो रेट दे रहा है जिस रेट पे वो रेट बढ़ा रहा है, ये नहीं है, ये ऑन रिकॉर्ड है साहब। विकास जी देखिए, संक्रमण जैसे कंट्रोल आया है तो जो थोक बाजार व्यापक रूप में काम कर सके इसके लिए जिला प्रशासन गंभीरता से विचार कर रहे हैं। एक बार को थोक बाजार मतलब जो हमारा लॉजिस्टिक होता है एक बार सुचारू रूप से चालू हो जाएगा तो ये सब दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। इस वक्त में थोक मार्केट ठीक ढंग से काम नहीं कर पाया। अच्छा त्रिपाठी साहब एक विषय और देखिएगा, पिछले बार के लॉकडाउन और इस बार के संक्रमण काल में एक अंतर है। पिछला वाला लॉकडाउन बहुत करके फोर्स्ड था, इस बार तो संक्रमण इतना तेजी से फैला कि बहुतों ने खुद के दुकान धंधे कमतर कर दिए या बंद करे हैं। उनके परिवार में कोई पीड़ित हो गया, खुद पीड़ित हो गया व्यक्ति दुकान पे बैठने वाला, इस कारण से भी दिक्कतें आई हैं। लेकिन प्रशासनिक कसावट इस संक्रमण पे तो दोष है विकास जी, संक्रमण का तो दोष है लेकिन कहीं ना कहीं दूरंदेशी का भी दोष है। विश्व में इस समय सबसे ज्यादा महामारी के दौर से गुजर रहा है तो हिंदुस्तान गुजर रहा है। अब आप देखिए विश्व में उसका कारण नहीं, अब उससे मत जाइए। ये दूरंदेशी आपने हमारा इशारा समझ लिया होगा कि आपने अंदाज नहीं लगाया सरकार ने कि क्या स्थिति हो सकती है। ऑक्सीजन को लेकर के लोग मरे ये तो सरकार पे ही दोष होगा। खैर महंगाई का मुद्दा है, रविंद्र साहब जाते जाते बहुत कम समय है आपका और मोदी जी का, हम संक्षिप्त एक टिप्पणी चाहेंगे। पहले रमेश जी आपकी संक्षिप्त टिप्पणी चाहेंगे कि ये जो महंगाई बढ़ी है क्या लगता है आपका आकलन क्या है कि ये कभी ये कोरोना के से उभरने के बाद क्या ये कम होगी कहीं से लगता है आपको रमेश साहब? बिल्कुल, मैं इसी बात पे कहना चाह रहा था, क्योंकि देखिए होता यह है कि जो खाद्यान्न और फ्यूल जो इन्फ्लेशन होता है ये मानते हैं कि चलिए अभी सब्जी नहीं मिली इस महीने नहीं हुआ अगले महीने कम हो जाएगा, आलू का रेट अभी है कम हो जाएगा, तेल में अच्छी फसल आ जाएगी तो कम हो जाएगा रेट, तो इसको मानते हैं। ये वोलेटाइल होता है ये चीज। मैं ये कहना चाहता हूं कि किसी भी अर्थव्यवस्था में किसी भी देश के अंदर इस चीज को यदि हटा के महंगाई की गणना करें, क्योंकि ये एक दो महीने के लिए होगा या चार महीने के लिए, वो इन्फ्लेशन जिसको अर्थशास्त्र में कहा जाता है कोर इन्फ्लेशन, वो कोर इन्फ्लेशन भी हमारे यहाँ ज्यादा है और ये जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल से बना हुआ है कोर इन्फ्लेशन, जिसमें हम खाद्यान्न की कीमत को हटा दीजिए, मान लीजिए कोरोना के कारण दाल का रेट बढ़ गया, कोरोना के कारण सब्जी का रेट बढ़ गया, इसको हम हटा के महंगाई की यदि बात करें तो भी कोर इन्फ्लेशन ज्यादा है हमारे देश में। और इसके मैं और एक दो रीजन बता सकता था पर अभी उतना टाइम नहीं है, पर ये एक बहुत चिंता की बात इकोनॉमी के लिए बनी हुई है। शायद मुझे लगता है कि महंगाई को नियंत्रित करना शायद ये इनकी जो प्राथमिकता की सूची में नहीं है। मुझे बहुत मतलब ये दुख के साथ और अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ रहा है। मोदी साहब चलते चलते आपकी भी टिप्पणी, क्या लग रहा है आपको ये कम होगा, कब राहत मिलेगी? नहीं सर नहीं होगा, मेरा एक क्वेश्चन और था, एक छोटा सा क्वेश्चन था सर, मैं ये पूछना चाह रहा था बार बार विकास जी से कि सर जब चुनाव होते हैं तो हमारा एक नारा होता है कि मेरा बूथ सबसे मजबूत, तो सर उस बूथ लेवल पर क्यों नहीं कोई कार्य किया गया, क्यों लोग परेशान हो रहे हैं किसी भी चीज के लिए, चाहे सब्जी हो चाहे राशन हो चाहे मेडिसिन हो, बोलने के लिए जरूर बोल रहे हैं कि हम बहुत सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। सर आप आइए एक बार कहीं पे भी एक छोटी सी जगह पर जाके देखिए कितनी परेशानी हो रही है, एक आम जनप्रतिनिधि को अपने घर से पैसा देना पड़ रहा है, मैं खुद जाके देखता हूँ सर बहुत परेशानी आ रही है, मतलब लोगों को खुद आगे बढ़ के उनकी हेल्प करनी पड़ रही है, तो फिर सरकार क्यों कर रही है, मतलब हमने क्यों चुना है जनप्रतिनिधियों को, जब वो वोट लेने के लिए तो हमें घर से लेके आ जाते हैं कि आइए और आप किस तरह से आप वोट दीजिए, तो क्यों उसको राशन नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है, उसके घर में परेशानी क्यों हो रही है, इसकी जवाबदार कौन है? ये मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है। और महंगाई तो सर मेरे को अभी नहीं लगता कि 6-8 महीने कम होगी। बिल्कुल आपने जो सवाल खड़ा किया है मोदी जी, ऐसा लगता है आप अर्थशास्त्री कम
पॉलिटिशियन ज्यादा हो गए हैं। नहीं नहीं सर, मैं परेशान नहीं नहीं, मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ। आप राजनीति को भी बहुत नजदीक से समझने लगे हैं, मेरा भी ध्यान उस तरफ नहीं था। बूथ लेवल तक हमारा मैनेजमेंट मजबूत है, हर बूथ में 10 कार्यकर्ता, अगर उस बूथ में इनके 10 कार्यकर्ता अगर होते तो शायद ये इस तरह से परिस्थिति नहीं बनती। जितेंद्र जी, हमारा समय समाप्त हो गया है, आप कुछ बार बार बोलना चाह रहे हैं, समय समाप्त हो गया है, फिर भी बहुत संक्षेप में सिर्फ 30 सेकंड में। त्रिपाठी जी, मेरा सिर्फ ये कहना है कि जिस तरीके से विकास जी ने सरकार को डिफेंड करने का प्रयास किया, उसी के साथ साथ वो काला बाजारी को भी डिफेंस कर गए। कम से कम आज स्वीकार करने का समय था कि महंगाई जो बढ़ रही उसको कम करने की दिशा में प्रयास होना चाहिए था, लेकिन आप आज भी कह रहे हैं कि आगे प्रयास किया जाएगा, होलसेल मार्केट को मजबूत किया जाएगा। कब किया जाएगा? जब अर्थव्यवस्था कोलैप्स हो जाएगी जब किया जाएगा। चलिए, आज तो नारा था, विकास जी का उत्तर ले लीजिए। विकास जी, बूथ लेवल तक मैनेजमेंट कर सकते हैं तो बूथ लेवल तक आपकी सरकार है, चुनाव जीतने के लिए सब कुछ प्रबंध करते हैं। आज महामारी है, और अगर आप इस समय आपकी पार्टी भी आगे नहीं आई, प्रबंधन में नहीं आए आप लोग आगे, तो निश्चित आने वाला समय जनता आपको माफ नहीं करेगी। क्यों नहीं आए? आप देखिएगा, हर जिले में, हर शहर में भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी संगठनों ने सेवा के कार्य चालू किए हैं। वो यहाँ तक कि कोविड सेंटर्स खोले हैं हमने, भोपाल में 1000 बेड का कोविड सेंटर खोला है, इंदौर में कोविड सेंटर से ज्यादा था। अब ये एक निष्पक्ष आदमी जो अर्थ अपने काम से मतलब रखते हैं, वो अपने अभिषेक मोदी जी कह रहे हैं कि अगर बूथ लेवल तक आप अपने थोड़ा सा कंट्रोल करते तो ये इस तरह से मारामारी नहीं मचती। साहब, देखिए, जो संक्रमण को रोकने का काम गांव के स्तर पे किया जा रहा है, उसमें कौन लोग ज्यादातर जनभागीदारी कर रहे हैं? प्रशासकीय टीम है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। हम तो चाहेंगे कांग्रेस के भी कार्यकर्ता आके उसमें जागरूकता के साथ में। चलिए, आप ये तो कर दीजिए, ये जो आसमान रोजमर्रा की चीजें हैं, जो दैनिक उपयोग की चीजें हैं, जो आसमान छू रही, उन पे बिचौलियों से मुक्ति दिलवा दीजिए, इतना कर दीजिए। त्रिपाठी साहब, आपने निम्न वर्ग को हम सहायता पहुंचा सके हैं ये तो आपने स्वीकार कर लिया। हमने स्वीकार कर लिया, आप हमारे से टैक्स वसूल करके हमें जो 10 रुपए में मिलती है उसको 50 रुपए हमको बेचते हैं, और वो लेकर के अपनी वोट की खातिर, वाहवाही लूटने की खातिर आप उनको दे देते हैं। नहीं नहीं, वाहवाही का प्रश्न नहीं है, ये कैसे हम हमारे सभी लोगों को समृद्ध बना सके, कैसे उन्हें उन आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति कर सके, ये उसका सौ तरीका है। चलिए, समय भी हमारा समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी आपका, विकास जी आपका, रवीन जी और अभिषेक जी आपने अपनी जो टिप्पणी दी उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो जानकारी दी। तो महामारी में महंगाई का महाडोज मिल ही रहा है, ऊपर से मुनाफाखोर और कालाबाजारी करने वालों ने कोरोना की आपदा को अवसर में बदल लिया है। लोगों को दाल आटा का भाव पता चल गया है, बीते कुछ दिन में ही तेल, चीनी, दाल और अन्य खाद्य वस्तुओं के दाम आसमान छूने लगे हैं। फुटकर दुकानदार माल की कम आवक का बहाना लेकर मनमाने रेट वसूल रहे हैं, जबकि जरूरी चीजों की आवक पर कहीं कोई रोक नहीं है। जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने पर प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। अगर यही हाल रहा तो चाहे खाद्य पदार्थों के दाम हो या पेट्रोलियम पदार्थों के रेट, ये आम आदमी की कमर तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। इसी साथ जनता का जवाब मिलता है। नमस्कार।